किसको पता था कि एक 5 साल का लड़का जिसको कभी फुटबॉलर बनना ही नहीं था, वो एक दिन इंडियन फुटबॉल का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्राइकर, लीडर, कैप्टन ऑफ आर इंडियन फुटबॉल टीम सुनील छेत्री की। केबी छेत्री एक आर्मी मैन थे और फुटबॉल उनका पैशन था। अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम पे काफी सारे टूर्नामेंट खेले भी थे। वहीं पे सुशीला भी एक प्रोफेशनल फुटबॉलर थी जो अपने कंट्री नेपाल नेशनल टीम के लिए खेलती थी। दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदला और फिर शादी हुई। 3 अगस्त 1984 को एक लड़का हुआ जिसका नाम रखा सुनील छेत्री। सुनील छेत्री के पेरेंट्स फुटबॉलर थे, इसीलिए उसको बचपन से ही फुटबॉल खेलना पसंद था, बट इतना नहीं कि वो फुटबॉलर बने। सुनील छेत्री के फादर आर्मी में थे, इसीलिए उनकी टाइम टू टाइम पोस्टिंग अलग अलग जगह पे होती रहती थी, जिस वजह से सुनील छेत्री को अपना स्कूल टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता था, बट एज एन आर्मी किड ये नॉर्मल था। बचपन में सुनील छेत्री ने बहुत से स्कूल बदले, बट एक चीज जो नहीं बदली वो था फुटबॉल के लिए उसका प्यार। सुनील छेत्री ने जो भी स्कूल को रिप्रेजेंट किया उसके अंदर वो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता, लेकिन कभी भी प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का नहीं सोचा। सुनील छेत्री का मेन मोटिव था स्पोर्ट्स कोटा से एक रेपुटेटेड कॉलेज में एंट्री लेना और अपनी स्टडी को कंप्लीट करना, जिसके लिए सुनील छेत्री ने दिल्ली में कॉलेज था जहां पे उसने 12th के लिए एनरोल किया था। उसी टाइम 16 साल के सुनील छेत्री को इंडियन फुटबॉल टीम से कॉल आता है फॉर एशियन स्कूल चैंपियनशिप जो कि कुआलालंपुर में हो रहा था इन 2001। इस टूर्नामेंट में सुनील छेत्री ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि उस टाइम की इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट और फेमस फुटबॉल क्लब मोहन बगान ने सुनील छेत्री को साइन किया, जिसके बाद सुनील छेत्री ने JCT, ईस्ट बंगाल और डेम्पो के लिए भी खेला। और ऐसा कहा जाता था कि ये लड़का सही टाइम पे सही जगह पे होता था टू स्कोर गोल। इस चीज को देखते हुए 2005 में सुनील छेत्री को कॉल आता है इंडियन फुटबॉल टीम से टू रिप्रेजेंट इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसी मैच में सुनील छेत्री का फर्स्ट इंटरनेशनल गोल आता है, जिसके बाद 2007 में नेहरू कप होता है जहां पे सुनील छेत्री 4 गोल मार के इंडिया को ट्रॉफी जिताता है। ये ट्रॉफी इंडिया 10 साल बाद जीती थी और इसका हीरो था सुनील छेत्री। उसी साल 2007 में सुनील छेत्री इंग्लैंड के एक फुटबॉल क्लब कोवेंट्री सिटी को अपना ट्रायल देता है, बट फेस रिजेक्शन। सुनील छेत्री का फॉरेन क्लब में खेलने का सपना ऑलमोस्ट पूरा हो गया था जब लंदन की एक फुटबॉल क्लब क्वीन पार्क रेंजर ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, बट वर्क परमिट ना मिलने की वजह से ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। इस चीज से सुनील छेत्री को ये रियलाइज हो गया था कि अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके बाद 2008 के AFC चैलेंज कप में 4 गोल मार के और फाइनल में हैट्रिक मार के इंडिया को ट्रॉफी जिताता है। सिंस देन सुनील छेत्री बिकेम अ पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फुटबॉल। और 2009 में एक बार फिर सुनील छेत्री अपनी मेहनत से नेहरू कप जिताता है इंडिया को। सुनील छेत्री की बैक टू बैक सक्सेस के बाद 2010 में MLS की एक टीम कंसास सिटी विजार्ड ने सुनील छेत्री को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, एंड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट सुनील छेत्री बिकेम द ओनली 3rd इंडियन फुटबॉलर आफ्टर मोहम्मद सलीम एंड भाईचुंग भूटिया टू प्ले इन फॉरेन लीग। अब सुनील छेत्री का करियर बूस्ट पे था। 2011 के साफ चैंपियनशिप टूर्नामेंट में सुनील छेत्री वॉज अ टॉप गोल स्कोर इन अ सिंगल एडिशन। सुनील छेत्री के 7 गोल की वजह से इंडिया साफ चैंपियनशिप टूर्नामेंट जीत गई। 2012 के AFC चैलेंज कप में सुनील छेत्री को कप्तान बनाया जाता है, जिसके बाद सुनील छेत्री इंडिया को एक और नेहरू कप जिताता है, एंड नाउ सुनील छेत्री मेड हिज फैन फॉलोइंग अक्रॉस इंडिया। 2012 में सुनील छेत्री ने पोर्टुगीज के फेमस क्लब स्पोर्टिंग CP में भी खेला, लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया, जिसके बाद सुनील छेत्री इंडिया आ गया और उस टाइम की बेंगलुरु FC जो की आई लीग की टीम थी उसको साइन किया। बेंगलुरु FC में लगातार 2 साल मेहनत करने के बाद जब 2015 में ISL बनी तब मुंबई सिटी FC ने सुनील छेत्री को साइन किया, विच मेड हिम मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर इन ISL। 2016 में सुनील छेत्री बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर हैट्रिक इन ISL। 2017 में बेंगलुरु FC आई लीग से ISL में प्रमोट हुआ और प्रमोट होते ही सुनील छेत्री को लोन पे एक्सेस कर लिया। यहाँ पे बेंगलुरु FC अपने डेब्यूट सीजन में ही फाइनल में पहुँच गए विद द हेल्प ऑफ सुनील छेत्री गोल, बट अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट। सुनील छेत्री वॉज नॉट हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस और ऑफ सीजन वो अपनी स्ट्रेंथ पे खूब मेहनत करता है। नेक्स्ट सीजन सुनील छेत्री बेंगलुरु FC को लीड करता है फॉर देयर सेकंड कंसेक्यूटिव ISL फाइनल, जहां पे बेंगलुरु FC फाइनल में गोवा FC को हरा के ISL ट्रॉफी जीतती है। सुनील छेत्री अपना 100th गेम खेल रहा था फॉर टीम इंडिया अगेंस्ट केनिया, जहां पे सुनील छेत्री 2 गोल मार के इंडिया को ट्रॉफी जिताता है। और
इसी दो गोल की वजह से सुनील छेत्री लियोनेल मेसी के इंटरनेशनल गोल को इक्वलाइज कर लेता है विद 64 गोल। सुनील छेत्री वन रिकॉर्ड 6 टाइम AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर। ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 50 गोल इन अ टूर्नामेंट। सुनील छेत्री वन अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड। सुनील छेत्री ने अपने करियर में चाहे वो ग्राउंड पे हो या बाहर हो सबको जीता, बस एक चीज को छोड़ के, फीफा वर्ल्ड कप। सुनील छेत्री का सपना था टू रिप्रेजेंट इंडिया इन फीफा वर्ल्ड कप, और हमारा सपना भी टू सी आर कैप्टन सुनील छेत्री स्कोरिंग गोल इन फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन अब वो सपना सपना ही रह गया बिकॉज सुनील छेत्री अनाउंस रिटायरमेंट। आई विल से थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। सुनील छेत्री का लास्ट गेम कुवैत के साथ है जो कि होने वाला है 6 जून को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल इंडियन फुटबॉल फैंस, स्टेडियम में जाओ, गिव अ बेस्ट फेयरवेल टू आर कैप्टन सुनील छेत्री सर।